भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। आज तो मोटे मोटे तोंग है, घी चपोड़ी पूरी खाते खाते पूरी शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ ले चुके, 3 बार नेता भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। अभी मैं अंदर दिया अपना उतार दू तो सारी हड्डियां पॉइंट ऑफ मौर्य का गिन लोगे। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घी पिया है, उस वक्तव्य को शायद ठीक से लोगों ने सुना नहीं। तो मऊ में गजब ही बयान दे गए स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस पर बवाल मच गया कि ये क्या बोल गए भरे मंच से। आजमगढ़ पहुंचे तो इस पर स्वामी ने सफाई भी दे दी। मौर्य जी, आज आपका बयान एक जारी हुआ जिसमें आपने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घी पी, अब तो ये पर्सनल हो रहा है। बहरहाल मैंने ये कहीं नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घी पिया है, उस वक्तव्य को शायद ठीक से लोगों ने सुना नहीं। क्या है कहानी, किस बात से? नहीं, हमने कहा भाई हम लोग मेहनतकश परिवार से आते हैं, श्रम हमारी संस्कृति है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मेहनत किए खाने पीने के आदी हैं, मालपुआ खाते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, बिना मेहनत किए पैसा आता है। ऐसे लोग को श्रम का मतलब समझ में नहीं आता है, और जब बिना श्रम किए उनको मालपुआ हलवा मिल रहा है, उनकी तोंदे मोटी हो रही हैं, तो मेहनत क्यों करेंगे? तो मेहनत का अर्थ वही समझता है जो मेहनत करता है और मेहनत कर घर परिवार में पैदा हुआ है। तो स्वामी कहते हैं कि उन्होंने घी मालपुआ खाने का बयान बीजेपी के लिए नहीं दिया था। वैसे अब जरा मऊ वाला स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुन लीजिए कि कैसे जाति के नाम पर बोलते बोलते स्वामी लाइन तक क्रॉस कर गए। हम तो जात-पात के शिकार हैं, हम तो जात-पात के नाम पर नीच कहे गए, अधम कहे गए, अपमानित किए गए, प्रताड़ित किए गए। जात-पात के नाम पर तो बाल का हलवा आपने खाया, चढ़ावा आपने खाया, और हम लोग तो हथरी और पट्टी हड्डी और पसली दिखाई एक एक गिन ली जाती है। आपकी तो मोटे मोटे तोंग है, घी चपोड़ी पूरी खाते खाते पूरी शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ दे चुके, 3 बार नेता रहे तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। अभी मैं अंदर दिया अपना उतार दो तो सारी हड्डिया पॉइंट ऑफ मौर्य का गिन लोगे। अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी हर पत्नी आप गिन लोगे। दरअसल मऊ में बीजेपी पर बरसते बरसते स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया था, लेकिन अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ये बयान बीजेपी के लिए नहीं दिया। वैसे वो लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। खैर, स्वामी की सफाई पर आप लोग क्या कहेंगे, और जिस तरह का एक बार फिर से विवादित बयान वो दे बैठे हैं उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।